Hi students, good morning. आज हम 4.1 व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, इस पोयम के बारे में जानकारी लेने वाली है। सफलता के बारे में सबकी राय अलग अलग रहती है, लेकिन यहाँ पर इस पोयम के पोएट है राल्फ वाल्डो इमर्सन। इन्होंने अपनी राय सफलता क्या है उसके बारे में अपनी राय बताने का प्रयास किया है। तो शुरुआत में आपके स्क्रीन पर एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, वो देखना है और हमें 40 सक्सेस ये पोएम पढ़नी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी आपके स्क्रीन पर व्हाट इज सक्सेस ये पोएम दिख रही है। तो सबसे पहले उसमें हम वार्मिंग अप चिटचैट के बारे में जानकारी लेंगे। चिटचैट में आपको सबसे पहले चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो अभी आप स्क्रीन पर दिख रहे हो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ हॉबी, आपको कौन सी हॉबी है उसका आंसर आप लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो गिटार तबला एक्सेट्रा ऐसे आपको बताना है। व्हाट इज द लेटेस्ट थिंग दैट यू लर्न टू डू, अभी अभी नई चीज कौन सी आपने सीखी है उसका आंसर लिखना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो, हैव यू एवर टॉट टू डू समथिंग, आप किसी को यानी यंगर ब्रदर हो, फ्रेंड्स हो, एल्डर सिस्टर हो, यंगर सिस्टर, किसी को कुछ सिखाते हो क्या उसके बारे में बताना है। ये हो गए चिट चैट में आपको चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, चार क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। उसके बाद चिट चैट में आपको दिया है, प्रिपेयर स्पीच टू डिलीवर ऑन इंटर स्कूल कंपटीशन ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वेब चार्ट, सफलता क्या है इसके बारे में इंटर स्कूल कंपटीशन है और सफलता क्या है उसके बारे में आपको स्पीच तैयार करनी है। स्पीच तैयार करने के लिए उन्होंने एक वेब दिया है और उस वेब के जरिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। और एक देखो, व्हाट इज सक्सेस, हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, आप अपने जीवन में कैसे सफलता हासिल करोगे उसके ऊपर आपको एक स्पीच देना है। और वो स्पीच देते समय आपको उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स उसमें आना जरूरी है। जैसे कि फॉर उन्होंने यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए है, डिवोशन, पॉजिटिव थिंकिंग, एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, हार्ड वर्क, प्लानिंग, सेटिंग अचीवेबल गोल, पैशन, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, सैक्रिफाइस, लर्निंग फ्रॉम ओन मिस्टेक्स, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा, ये सब पॉइंट्स हमें दिए हैं। और इन सब पॉइंट से हमें एक स्पीच तैयार करनी है। तो इन सब पॉइंट से हम इस तरह से एक स्पीच तैयार कर सकते हैं, जो कि स्पीच है हाउ टू सक्सेस, हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ये जो स्पीच तैयार कर रहे हैं, तो शुरुआत हम अगर स्पीच की शुरुआत करते हैं तो ऑनरेबल चेयरपर्सन, रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो आप एक स्पीच दे रहे हो। चिट चैट में वेब के जरिए हमें स्पीच बनाने के लिए कहा है, देने के लिए कहा है। तो शुरुआत जो है ऑनरेबल चेयरपर्सन, उसके बाद रिस्पेक्टेड हेडमास्टर,
टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स से शुरुआत करोगे, उसके बाद जो पॉइंट्स है उससे रिलेटेड, जो पॉइंट्स है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हमें यहाँ पर बनाने हैं और वो स्पीच में बताने हैं। तो शुरुआत हम टुडे आई एम गोइंग टू स्पीच, तो शुरुआत में आपको बताना है तो आप स्पीच किसके ऊपर दे रहे हो, हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीच ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, ऐसे शुरुआत करोगे। और उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू मी केयरफुली, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। सो माय फ्रेंड, सक्सेस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। एवरीवन हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन लाइफ, हर एक का सपना होता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन लाइफ में बनना। उसी तरह शुरुआत करनी है आप में, और आगे जाकर जो पॉइंट्स दिए हैं उससे रिलेटेड, देयर इज अ गुड सेइंग दैट सक्सेस इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर कुछ क्वाइट आपको देने हैं, सक्सेस इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। हाउ ट्रू इट इज, ये जो सेंटेंस है वो कितना सही है। If we look at the life of all successful people, we realize the truthfulness of the statement. The definition of success is different for every person. जब हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि सक्सेस के बारे में हर एक की राय, हर एक का ओपिनियन अलग अलग है। For a child, success is to solve a puzzle. जब बचपन में रहते हैं तो बच्चे जो रहते हैं उनको लगता है कि पजल सॉल्व करना वो उनके लिए सक्सेस है, यानी पहली या सॉल्व करना वो उनके लिए सक्सेस है। फॉर एसएससी स्टूडेंट सक्सेस इज टू गेट गुड मार्क्स, और जब दसवीं में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दसवीं में अच्छे नंबर्स लाए ये हमारे लिए सक्सेस है। फॉर अ बिजनेसमैन सक्सेस इज टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड फॉर ग्रैंड पेरेंट्स सक्सेस इज टू सी द होल फैमिली टूगेदर। बिजनेसमैन का सक्सेस क्या होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना। अब जो ग्रैंड फादर रहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहता है कि उनका यही सपना रहता है कि सब फैमिली इकट्ठा मिलकर रहे, उसे ही वो सक्सेस मानते। यानी हर एक का सक्सेस की तरफ देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग है। उसके बाद देखो, एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। टू अचीव एम्बिशन देयर आर मेनी स्टेप्स व्हिच आर टू बी फॉलोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट आवर गोल। अगर आपको कामयाब बनना है, सक्सेस बनना है, तो यू सेट आवर गोल्स। सबसे पहले हमें हमारा जो गोल है वो फिक्स करना चाहिए। मीन्स वी हैव टू डिसाइड व्हाट we are and what we want to be, yani ki hame sabse pehle karna ki main kaun hu aur mujhe kya banna hai. So proper plan and execution of the plan are very important. The tragedy of life does not lie in not reaching the goal, the tragedy lies in having no goal to reach. इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में हम स्पीच बनाएंगे। उसके बाद फॉर अ ग्रेट सक्सेस वी नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस पेशेंस नॉलेज एंड हार्ड वर्क। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम बिकॉज टाइम इज मनी। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी अदर पर्सन। आप खुद की तुलना किसी और के साथ कभी भी नहीं करनी है। इन द वर्ल्ड इफ यू डू सो यू आर डिमीनिंग थिंग्स positively and never give up hope, because many of our failures are the people who did not realize how close they were to success when they give up. इसी तरह एक थर्ड पैराग्राफ, उसके बाद चौथा पैराग्राफ जो है, फोर्थ पैराग्राफ, always remember that the word impossible means I am possible. जब हम impossible ये शब्द
ये जो वर्ड है उसे अच्छी तरह से देखो देखोगे तो उसने खुद लिखा है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल एंड ये डिस्नी इज अकुमेंटेड विद थ्री डी यानी फर्स्ट डी डिटर्मिनेशन डेडिकेशन एंड डिओशन। जिसके पास भी डिटर्मिनेशन डेडिकेशन एंड डिओशन होगा उसे सक्सेस मिल ही जाएगा, देन एवरीथिंग बिकम पॉसिबल। अगर जिसके पास डिओशन है डिटर्मिनेशन है और डेडिकेशन करने की तैयारी है उसके पास सक्सेस अपने आप चलकर आ जाएगा। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स वी शुड ऑलवेज फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ ग्रेट सक्सेसफुल पीपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ धीरूभाई अंबानी। ही हैज बोर्न इन पुअर फैमिली बट स्ट्रगल अ लॉट टू अचीव हिज एम्बिशन एंड नेवर गिव अप होप बिकॉज ही न्यू दैट देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। इस तरह हमें कुछ एग्जांपल्स देकर ये स्पीच तैयार करनी है और लास्ट में देयर इज अ ग्रेट सेइंग दैट सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली सो वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली गॉड्स ब्लेसिंग आर ऑलवेज देयर विद यू थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली। इसी तरह एक स्पीच हाउ टू अचीव सक्सेस इन लाइफ और जो वे दिया है उसे चिटचैट में एक स्पीच तैयार करनी है। चिटचैट में स्पीच तैयार करने के बाद ये जो सेकंड दिया है देखो व्हाट माइट सक्सेस मीन टू यू फॉलोइंग पीपल थिंक अबाउट इट एंड राइट। नीचे कुछ लोग दिए हैं उनके बारे में उनका कहना सक्सेस क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। जैसे कि थिंक अबाउट इट एंड राइट कुछ लोगों के बारे में सोचना है और यहाँ पर बताना है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने जो किया है स्टूडेंट एक स्टूडेंट के नजर से सक्सेस क्या है शोइंग कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट इन हिज एकेडमिक परस्यूट प्रैक्टिसिंग इन स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशन। तो इसे स्टूडेंट सक्सेस कहेगा। उसके बाद बिजनेसमैन बिजनेसमैन किसे सक्सेस कहेगा देखो गेनिंग हर प्रॉफिट एंड अचीव हिज टारगेट इन बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और जो टारगेट है उसे पूरा करना उसे बिजनेसमैन सक्सेस कहेगा। बिजनेसमैन के बाद डॉक्टर डॉक्टर के नजर से देखोगे तो सक्सेस क्या है डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग पेशेंट एंड इवन सेइंग अ डाइंग पर्सन। उसके बाद स्पोर्ट्समैन सेटिंग हिज और हर ओन रिकॉर्ड बाय प्रैक्टिसिंग इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स विनिंग मेडल्स एंड ट्रॉफीज। इस एक स्पोर्ट्समैन के नजर से एक सक्सेस है। उसके बाद अ पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन के नजर से सक्सेस क्या है तो विनिंग एन इलेक्शन एंड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हर एक इलेक्शन जीतना और सोसाइटी के लिए काम करना यही जो है पॉलिटिशियन के नजर से सक्सेस है। उसके बाद अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब जॉब के लिए किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया है तो उसके नजर से सक्सेस है देखो गेटिंग अ जॉब विद अ हाई पैकेज ऑफ सैलरी। ज्यादा से ज्यादा बड़े बढ़िया पेमेंट सैलरी मिलनी चाहिए ये उसके लिए सक्सेस है। ए टीचर टीचर के नजर से सक्सेस क्या है देखो हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एक्सेल रीचिंग एवरी चाइल्ड ऑफ हिज क्लास। यही टीचर के नजर से सक्सेस है। और पेरेंट्स के नजर से सक्सेस क्या है राइजिंग अ चाइल्ड एंड टू मेक हिम अ गुड ह्यूमन बीइंग।
एक अच्छा से अच्छा नागरिक बनाना, यही अपने पेरेंट्स के नजर से अपने बच्चे को एक अच्छा से अच्छा नागरिक बनाना, यही पेरेंट्स के नजर से सक्सेस है। यानी व्हाट इज सक्सेस, इसके बारे में चिटचैट में जो देखना था हमने देख लिया। इसके बाद सीधा हम व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, इस पोएम की ओर चले जाते हैं। देखो आपके स्क्रीन पर अभी एक पोएम दिख रही है, व्हाट इज सक्सेस। देखो अभी सबसे पहले पोएम ध्यान दे दो, व्हाट इज सक्सेस टू लाफ ऑफ फन एंड मच टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स एंड एंड्योर टू बेटरल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स टू अप्रिसिएट ब्यूटी टू फाइंड इन द बेस्ट इन अदर्स टू लिव द वर्ल्ड अ बिट बेटर वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड अ गार्डन पैच और अ रिडीम्ड सोशल कंडीशन टू नो यूर वन लाइफ हैज ब्रीथ्ड easier because you have lived this is to have succeeded. Ralph Waldo Emerson, इनके नजर से सक्सेस क्या है इसके बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं। जो पोएट है वो कहता है कि व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, सफलता क्या है ये बताते समय इसी क्वेश्चन से इस पोएम की शुरुआत की है। अभी आपके स्क्रीन पर ये पोएम दिख रही है, देखो व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। तो इस प्रश्न के साथ कवि ने अपने कविता की शुरुआत की है और अगले कुछ पंक्तियों में उन्होंने सफलता के विभिन्न एवं स्पष्ट अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सफलता के बारे में अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर राल्फ वाल्डो इमर्सन ये जो पोएट है इनके नजर से सफलता क्या है ये बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले कवि के अनुसार सफलता क्या है, व्हाट इज सक्सेस टू लाफ ऑप्शन एंड मच, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, टू लाफ ऑप्शन एंड मच, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, इसे ही कवि सक्सेस कहता है। उसके बाद सेकंड लाइन में देखो, To win the respect of intelligent people and the affection of children, बुद्धिमान लोगों के सम्मान और बच्चों के स्नेह को जताना प्राप्त करना। To win the respect of intelligent people यानी बुद्धिमान लोग, इनके जरिए सम्मान हासिल करना and the affection of children यानी बच्चों का प्रेम स्नेह हासिल करना, इसे ही जो पोएट है वो सक्सेस कहता है। उसके बाद टू अर्न द अप्रिसिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स, क्रिटिक्स यानी आलोचक, ईमानदार आलोचकों की सराहना अर्जित करना, जो ईमानदार आलोचक रहते हैं उनकी जो सराहना रहती है उसे अर्जित करना, उसे ही जो पोएट है वो सक्सेस कहते हैं। एंड इंडियर द बेटरल ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स और एंड इंडियर, इंडियर यानी सहना, द बेटरल ऑफ फॉल्स फ्रेंड, फॉल्स फ्रेंड यानी नकली मित्र, बेटरल यानी विश्वासघात, विश्वासघात करने वाले जो नकली मित्र है उनको भी सहना, वो हमारा विश्वासघात करते हैं इसलिए उनको छोड़ देना नहीं बल्कि उनको भी सहना, वो हमारे फ्रेंड है इसलिए उनको भी सहना, इसलिए वो ये जो है कहते हैं इंडियर द बेटर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, विश्वासघात करने वाले जो फॉल्स फ्रेंड है उनको सहना, ये भी सक्सेस है। उसके बाद वो क्या कहते दो, टू अप्रोसी एसेट ब्यूटी, सौंदर्य की सराहना अथवा प्रशंसा करना, जो सौंदर्य है उसकी प्रशंसा करना,
उसे भी पोएट जो है वो सक्सेस कहते हैं। उसके बाद टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स, दूसरों में जो अच्छे गुण होते हैं उसे भी ढूंढने की हमें खूबी होनी चाहिए। टू फाइंड, फाइंड यानी ढूंढना, टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स यानी दूसरों में अच्छा ही खोजना, उसे भी हम अगर दूसरों में अच्छा ही देख लेते हैं तो वो भी एक हमारी नजर से सक्सेस है। टू लिव द वर्ल्ड इन अ बिट बेटर वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड अ गार्डन पैच, यानी कि दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक का माता पिता बनना अथवा एक कुशल मालिक की तरह बगीचे का रख रखाव करना अथवा अपने सामाजिक दायित्वों को निभाकर एक बेहतर सामाजिक स्थिति निर्माण करना, एक बेहतर सामाजिक स्थिति निर्माण करना, उसे भी पोएट सक्सेस कहते हैं। उसके बाद देखो, टू नो इवन वन लाइफ हैज ब्रेथेड इजियर बिकॉज यू हैव लिव्ड, यानी कि अपने जीवन काल में कम से कम इंसान की जिंदगी बेहतर बनाना अथवा आसान करना, उसे भी पोएट जो है सफलता कहते हैं। दिस इज टू हैव सक्सेडेड, अगर आप इन बातों को पूरा कर सकते हो तो इसका अर्थ यह है कि आपने आप अपने जीवन में सफल हो। अगर इन सभी बातों को आप अगर पूरा कर सकते हो, ऊपर दी गई सभी बातों को अगर आप पूरा कर सकते हो तो ये आपके नजर से सक्सेस सफलता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन ये जो पोएट है, इन्होंने यहाँ पर सक्सेस के बारे में बताया है। एक बहुत ही अच्छे पोएम है, बहुत ही शॉर्ट बट स्वीट। इसी तरह से व्हाट इज सक्सेस के बारे में इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है, यानी व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने व्हाट इज सक्सेस इसके बारे में देख लिया, सफलता क्या है ये पोएम देख ली। इसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। व्हाट इज सक्सेस, टू लैक अपॉन एंड मच टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन पीपल एंड द अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, टू अर्न टू अप्रिशिएशन ऑफ ऑनेस्ट क्रिटिक्स एंड एंडियर टू बेटरल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड्स, टू अप्रिशिएट ब्यूटी, टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स, टू लिव द वर्ल्ड अ बिट बेटर वेदर बाय अ हेल्दी चाइल्ड एंड और सोशल कंडीशंस, टू नो इवन वन लाइफ हैज ब्रीथेड easier because you have lived, this is to have succeeded. इसे ही poet जो है वो poet की नजर से यही एक सफलता है, यानी सफलता क्या है, success क्या है, कामयाबी क्या है, उसके बारे में इस poem के जरिए अभी हमने जानने का प्रयास किया। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। एक बहुत ही एक शॉर्ट बट स्वीट 4.1 में व्हाट इज सक्सेस ये पोएम है। आ जाओ क्या वापस इसमें, व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, इस पोएम के बारे में जानकारी ली है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम 4.2 के बारे में जानकारी
लेंगे जो कि रीडिंग वर्क ऑफ आर्ट के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में जानकारी लेंगे। आज हमने व्हाट इज सक्सेस के बारे में जानकारी ली है। ओके, थैंक यू।